like a Hellcat. मैं घास को जला रहा था और तब मैंने सोचा कि घास से रॉकेट फ्यूल क्यों नहीं बन सकता। फिर मैंने इसको गूगल पर सर्च करा पर तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। और मैंने फिर इसको यूट्यूब पर सर्च करा पर यूट्यूब पर भी मुझे घास से रिलेटेड रॉकेट कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना करके देख लिया जाए और फिर मैंने बना डाला घास से रॉकेट। और ये जो रॉकेट है आपने पहले भी शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा। इस रॉकेट को मैंने पहले भी शुगर पावर्ड फ्यूल से लॉन्च करा है और इसके इस फ्यूल टैंक में मैंने भरा है पूरी घास। और घास के साथ एक और चीज़ भरी है मैंने, वो है ऑक्सीडाइज़र का काम करेगी। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। उससे पहले आप करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक। तो चलिए देखते हैं कि घास से रॉकेट फ्यूल कैसे बनता है। घास से रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है घास, उसको मैंने सुखा के अच्छे से उसका पाउडर सा बना लिया है। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैंने गूगल पर भी सर्च करा, यूट्यूब पर भी, और मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरे 4 स्पून इस घास के पाउडर के ले लूँगा। आपको इसकी रेशो ऐसे ही रखनी है। ये 1 स्पून हो गया है। यहाँ पर 4 स्पून ग्रास के पाउडर को ले लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ है। और अब हम लेंगे यहाँ पर 2 स्पून पोटेशियम नाइट्रेट के। ये जो है ऑक्सीडाइज़र का काम करेगा। ऑक्सीडाइज़र के रूप में आप किसी भी और सॉलिड ऑक्सीडाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्पून इस पोटेशियम नाइट्रेट के भी ले रहा हूँ। आप इसको वेइंग मशीन से 10-10 ग्राम मेजर करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है। तो अब मैं इसको करूंगा अच्छे से मिक्स। तो गाइज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घास से बनाया हुआ रॉकेट फ्यूल को रख लिया है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइज ये काफी अच्छे से जल रहा है। तो फ्यूल टैंक यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और अब मैं इस ये जो हमारा फ्यूल है आपने इसकी टेस्टिंग देख ही ली होगी, इतना सा ही बचा है तो मैं इससे ज्यादा और एनालिसिस नहीं कर सकता। तो अब मैं इसको फिल कर दूंगा इसके अंदर अच्छे से दबा दबा के। सो गाइस इसके अंदर मैंने फ्यूल भर दिया है और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा नोजल जो कि बनी होगी एमसील से, और फिर लगाऊंगा इस फ्यूल को मैं अपने रॉकेट के नीचे और फिर करेंगे इस रॉकेट की टेस्टिंग। और इस रॉकेट को पहले मैंने शुगर वाले फ्यूल से उड़ाया हुआ है, उसका मैंने शॉर्ट अपलोड करा था, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं कि ये शुगर फ्यूल से कैसा उड़ा था। और देखते हैं कि अब ये घास के फ्यूल से कैसे उड़ता है। सो गाइज मैंने यहाँ पर इसमें ये हमारे घास से बनाया हुआ रॉकेट फ्यूल को भर दिया है और अब इसकी नोज़ल बनाने के लिए मैं लूँगा यहाँ पर एमसील, और एमसील से मैं बनाऊँगा इसकी नोज़ल। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर फटाफट से एमसील। गाइज मैंने यहाँ पर इसमें जो है एमसील लगा दी है और अब मैं इसके एंड तक एक होल कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसमें होल भी कर लिया है। तो अब मैं वेट करूँगा एमसील के सूखने का और फिर मैं लगाऊँगा इसको इसके अंदर
और करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं हमारा घास से बनाया हुआ रॉकेट उड़ता है या फिर नहीं। जो है लॉन्चिंग के लिए रेडी है। मैंने इसमें ये वाला जो घास से बना हुआ फ्यूल टैंक है इसको भी लगा दिया है और फ्यूल टैंक के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया एक इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर। और अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर कैसे बनाते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब इसको लगाते हैं इस लॉन्चिंग पैड पर। नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। हमारे फ्यूल ने बिल्कुल अच्छे से वर्क करा, पर जिस रॉकेट में मैंने अपने फ्यूल टैंक को लगाया था वो रॉकेट बना था सिर्फ और सिर्फ शुगर पावर्ड रॉकेट फ्यूल से लॉन्च होने के लिए। तो इसलिए जो हमारे रॉकेट की स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई पूरी, क्योंकि जो हमारा फ्यूल था उसको मैंने बनाने के लिए घास का यूज़ करा था और उसका वेट थोड़ा अलग था नॉर्मल शुगर पावर्ड फ्यूल के हिसाब से, और उसका बर्निंग टाइम भी थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से हमारे रॉकेट ने अपनी स्टेबिलिटी बिल्कुल खो दी। पर हमारा जो घास से बनाया हुआ फ्यूल है उसने पूरे अच्छे से वर्क करा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।